उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां हर एक जिले की विधानसभा से जनप्रतिनिधि मजबूती के साथ उतारने में जुटी हुई है। लेकिन पार्टी के जनप्रतिनिधि को उतारने से पहले ही कुछ वहां की विधानसभा की जनता कुछ प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध जाहिर करने में लगी हुई है और नए चेहरे को पार्टी से टिकट दिलवाने की मांग कर रही है। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद की विधानसभा 29 कुंदरकी से सामने आया है। वहां की जनता ने मौजूदा सपा के विधायक हाजी रिजवान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की और विधानसभा 29 कुंदरकी से समाजवादी पार्टी से नए चेहरे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उतारने की मांग की और वर्तमान विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सपा पार्टी से टिकट न देकर न उतारने की मांग की। विधानसभा 29 कुंदरकी की जनता ने प्रदर्शन कर कहा कि 29 कुंदरकी विधानसभा से सपा के विधायक हाजी रिजवान पिछले 10 सालों से विधायक रहते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी क्षेत्र में इनके द्वारा 10 सालों में विकास कार्य नहीं कराया गया, जिससे 29 की विधानसभा की जनता नाराज है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से 29 कुंदरकी विधानसभा पर नए चेहरे को उतारने की मांग कर रही है। वही जनता का यह भी कहना है कि अगर फिर से 29 कुंदरकी विधानसभा से हाजी रिजवान का टिकट होता है तो मजबूरन हमें अन्य दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को लड़ाकर जीत हासिल करनी होगी। आलिया हसन जी, ये बताइए आज जो विरोध कर रहे हैं आप, किस मांग को लेकर के कर रहे हैं? हम भाई साहब इस मांग को लेकर के कर रहे हैं कि हमें विधानसभा कुंदरकी 29 से नया प्रत्याशी चाहिए। जो प्रत्याशी हमारे बीच में थे रहे, अब उन्हें नहीं चाहते, किसी को भी नए प्रत्याशी को यहाँ से घोषित किया जाए और हम अखिलेश भैया के साथ हैं। तो जो विधानसभा में हाजी रिजवान विधायक है मौजूदा कुंदरकी विधानसभा से, क्या बचा है जी? जो नहीं चाहते उन्हें आप, क्या बचा है जी? देख लिया बतेरा, उनके कारनामे अच्छे ना रहे, पब्लिक नाराज है, खाली मैं दे दूंगा, पूरा जनता नाराज है उनसे। कैसे नेता चाहते हो आप? हम चाहते हैं क्या जनता के बीच में रहने वाला वो होना चाहिए नेता, और नया वो होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी से भी तो नए नेता आए हैं निकल कर, वो भी बहुत अच्छे आदमी। बीजेपी से हमें कुछ लेना देना नहीं, बीजेपी हम समाजवादी हैं, समाजवादी की बात करेंगे। अच्छा, ऐसे क्या मुख्य कारण है जो आप ये विरोध कर रहे हैं इस विधायक का? भैया विरोध हम ही क्या कर रहे हैं, पूरा जनता कुंदरकी की कर रही है, इस पर विरोध है बहुत बड़ा, सीट को नुकसान हो जाएगा। ये तो प्रत्याशी चाहिए हमें, हम अखिलेश भैया के साथ हैं तन मन धन से। फील्ड में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो डेली मिलते हैं जनता के बीच में जाके, फिर भी? हाँ, फिर भी गलत है ना, जनता नहीं चाहती उन्हें, नया चेहरा चाहती है, नया चेहरा चाहती है, नया प्रत्याशी होना चाहिए। आपका नबी हसन भाई, भाई क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध ये कर रहे हैं, हाजी रिजवान ने हमारे जैसे युवाओं के 10 साल खाली है साहब, पूरा कोई काम नहीं किया। पिछली बार 5 साल सत्ता में थे, तब उन्होंने गांव गांव डीलरों प्रधानों से, बीडीसी मेंबरों से, प्रमुखों से सबसे चंदा उगाही का काम करा, और हमारे जैसे नौजवान लोगों के लिए आज तक कभी कुछ नहीं करा किसी तरह, ना शिक्षा पे कोई व्यवस्था है किस विधानसभा के अंदर, ना ही रोजगार, तो छोड़िए खैर, विकास पे कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं फिर, कैसे प्रत्याशी? ये चाहते हैं कि हम ये समाजवादी पार्टी के एक समर्थक होने के नाते मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस सीट पर जो भी प्रत्याशी, हालांकि रिजवान साहब को हटा के अदर वाइज किसी को भी दिया जाए। अगर बीजेपी ने, बड़े बड़े अच्छे काम कराए हैं, अभी गल्ला फ्री, तेल फ्री, चना फ्री, बीजेपी को क्यों नहीं चाह रहे आप? नहीं, बीजेपी को क्यों नहीं चाह रहे हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो है समाजवादी लोग हैं सारे, और उसमें जो है समाजवादी की ही सीट निकलेगी, और बहरहाल जो भी है हाजी रिजवान साहब को टिकट ना दिया जाए, जो भी हमें नया प्रत्याशी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे 10 साल बर्बाद कर दिए। समाजवादी पार्टी हाजी रिजवान को दोबारा प्रत्याशी बनाती है तो क्या हाजी रिजवान नुकसान होने का संभावना है? फुल संभावना है, क्योंकि हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमें पार्टी से कोई संपर्क नहीं है, हमें संपर्क है कैंडिडेट से। अच्छा, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि कोई भी मैं कैंडिडेट खड़ा करूं तो उससे कोई आपत्ति ना जताए, क्योंकि हर सीट पे मैं खड़ा हूं। नहीं, वो चीज़ ठीक है, नहीं वो यहाँ नहीं आ सकते ना, जो अभी जमीनी स्तर पे लेवल पे हमारा नेता ही काम करेगा, ना कि अखिलेश भैया काम करेंगे, क्योंकि वो पूरी यूपी संभालेंगे, और जो हमारा क्षेत्र विधानसभा संभालेगा, हमारा कैंडिडेट जो भी वो हमें देंगे चुन के, वो संभालेंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि इन 10 सालों में जो विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है विधायक द्वारा? नहीं, ठगा तो महसूस कर रहे हैं, अभी आपने प्रमुखी में देखा साहब क्या हाल हुआ, सब एक लेके प्रमुख से लेके साहब बीडीसी मेंबर साहब तक को ठगा गया, एक बीडीसी मेंबर बहुत छोटा होता है, प्रधानों को ठगा गया, डीलरों को ठगा गया, आप में जैसी जनताओं को एडमिशन के नाम पे ठगा गया, एजुकेशन के नाम पे ठगा, जब तक उनकी सत्ता चली साहब, और जब तक अब 10 साल से सीट पर कब्जा है साहब,
पूरे क्षेत्र का विनाश हो चुका है, विकास कुछ नहीं हुआ। किस तरीके की मांग करोगे अखिलेश जी से कुंदर की विधानसभा को लेकर? ये करना चाहते हैं कि हमें प्रत्याशी हाजी रिजवान से हटके, मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी दो अदरवाइज, लेकिन हम नया प्रत्याशी चाहते हैं, पुराने ओल्ड प्रत्याशी को हम किसी को भी समर्थक नहीं देंगे।